स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के टॉप एमसीक्यू को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए हमारा कोई चैप्टर नहीं होगा, ये मिक्सअप क्वेश्चन होगा, और जितने भी ये क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपने पिछले वीडियो देखा होगा, इसका पार्ट वन, ये इसका पार्ट सेकेंड है। इसमें केवल काफ़ी मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आ रहा है। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक दो बात आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख के और उनका मतलब वो बढ़िया से पढ़ सके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के दो बल 19 डिग्री पर कार्य करते हैं, इनका परिणामी किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पे परिणामी तो आपको क्या मालूम है, आपको सूत्र मालूम होगा। परिणामी का सूत्र क्या होता है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को जब तक आपको इसका सूत्र मालूम नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो परिणामी का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है r√p2√q2π/2πqcosθ, ठीक है, p2√q2π/2πqcosθ। अब देखिए यहाँ पे दिया है 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, मतलब ये p का मान दे दिया है, ये q का मान दे दिया है, ठीक है, और cosθ मतलब cos 90°। अभी बस इसको आपको फार्मूले में पुटअप करना है। देखिए फार्मूले में पुटअप करके देख लेते हैं, p2√3²9+4²16q²+2πq, तो 2 × p 3 × 4, चाहती है 12 × 24 इंटू ये प्लस में है और इंटू कॉस 19 का मतलब कॉस 19 डिग्री का मान होता है 0, तो ये तो इतना आपका 0 हो जाएगा। ये बचेगा 16 और 9 बचेगा, तो 16 × 9 = 25, √25, तो √25 का मान कितना हो गया 5, √25 का मान 5। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। देखिए आपको बस फार्मूला याद रखना चाहिए, फार्मूला क्या होता है इसका, r√p2√q2π/2πqcosθ, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कठोर वस्तु पर लगाए गए बल का क्या प्रभाव होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक कठोर वस्तु है, देखिए इस प्रकार के मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला दिया है मंदन, दूसरा त्वरण, तीसरा गति की दिशा में परिवर्तन, चौथा ये सभी। अब देखिए मान लीजिए कि इसको हम धक्का देंगे, ठीक है, इस पर कोई भी बल लगाएंगे तो ये किधर भी जा सकता है, ठीक है, और बल लगाएंगे तो उसमें मान लीजिए कि इसके वेग में परिवर्तन होगा, तो वेग में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, त्वरण भी उत्पन्न होगा। और मंदन, देखिए यहाँ पे मंदन दिया, तो मंदन का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण। जैसे मान लीजिए कि इधर गया कभी वस्तु, इधर भी तो जा सकता है, कि मान लीजिए कि यहाँ पे बल लगाना है तो बल तो किधर से भी हम लगा सकते हैं, तो वस्तु इधर भी जा सकता है, तो ऋणात्मक मतलब त्वरण भी उत्पन्न हो सकता है, मतलब जिसको हम मंदन कहते हैं, और गति की दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, ठीक है, इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बल का CGS मात्रक क्या होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है बल का CGS मात्रक क्या होता है, तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी डाइन, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा डाइन। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ सकता था कि SI मात्रक क्या होता है, ठीक है, तो SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। पूछ देता कि MKS मात्रक क्या होता है, मतलब MKS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है बल का, तो इसका ऑप्शन होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए सारे आपको, देखिए एग्जाम में किस टाइप का देगा, कौन देगा, ये देगा ये देगा ये देगा, किसी को मालूम तो है नहीं, तो आप सारी चीज़ों को फोकस करिए और कॉन्सेप्ट के साथ समझते चलिए। अगर सारी चीज़ें समझ लेंगे तो कोई एक पूछेगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। अगर केवल आप इसी को याद रखेंगे या फिर न्यूटन को याद रख ली कि बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, और ये दोनों याद नहीं है, तो आप कन्फ्यूज में हो जाएंगे, मतलब कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे उस वक्त। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 न्यूटन के बल द्वारा 64 न्यूटन मीटर का आघूर्ण उत्पन्न होता है, आर्म कितना होगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखिएगा। अब हमको मालूम है कि टाउ बराबर क्या होता है, F × D। अब देखिए यहाँ पर दिया है 16 न्यूटन, मतलब बल का मान दिया है 16, और एस द्वारा बल के द्वारा 60 न्यूटन मीटर का आघूर्ण उत्पन्न होता है। टाउ बराबर दिया है 64 दिया है, 64 दिया है, ठीक है, 64 न्यूटन मीटर का आघूर्ण उत्पन्न होता है। अभी हमें यहाँ पे आर्म आघूर्ण आर्म मतलब डी का मान निकालना है। देखिए टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर F × D था, अब हमें डी का मान निकालना है, तो टाउ बाई एफ हो जाएगा। डी का मान कितना हो जाएगा, टाउ बाई एफ, तो टाउ का मान दिया है 64 और एफ का मान दिया है 16, तो 16 × 64 4 मीटर। अब देखिए यहाँ पे डी है जो कि दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होगा, तो 4 मीटर ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको फार्मूले याद रहना चाहिए, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैरिग्नान का प्रमेय निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। देखिए वैरिग्नान का जो प्रमेय होता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आघूर्ण सिद्धांत से संबंधित होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो समांतर और विपरीत
पल जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होती हैं वे बनेंगे, जिसे दो समांतर और विपरीत बल रहेंगे। जिनके क्रिया रेखाएं भी अलग अलग होंगी वे बनेंगे तो क्या बनेंगे, बल युग्म बनेंगे। ठीक है, बल युग्म बनेंगे, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बल युग्म और बलाघूर्ण। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जब किसी झुके हुए तल में कोई वस्तु फिसलती है तो वस्तु का त्वरण दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि फिगर के माध्यम से हम आपको बताते हैं, मान लीजिए कि इस प्रकार झुके हुए तल में कराया है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे कोई वस्तु आपकी रखी है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, तो अब कह रहा है कि वस्तु जब फिसलती है यहाँ से तो वस्तु का त्वरण किससे दिया जाता है, मतलब इसका बल क्या होता है। तो देखिए यहाँ से आपको मालूम है कि यहाँ से पे कोई वस्तु रही थी, यहाँ पे एक W भार नीचे की ओर, W इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। ठीक है, ये नीचे की ओर लगेगा और इधर क्या लगता है, यहाँ पे से जबकि यहाँ पे थीटा है को एंगल, तो यहाँ भी थीटा होगा और इधर क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, cos थीटा होता है और इधर की ओर क्या लगता है, sin थीटा, W sin थीटा, तो यहाँ पे sin थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे sin थीटा mg, यहाँ पे mg होगा, सब दोनों में तो भार है, सब तो ये भी जैसे यहाँ पे भार था उसी एंगल पे, तो ये भी उसी एंगल पे भार था, तो ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा और ये W इक्वल टू mg। अब देखिए हमको क्या मालूम है, mg sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, f इक्वल टू ma से, ये भी तो एक प्रकार का बल है, तो a से a, m से m कट जाएगा, g sin थीटा, a इक्वल टू क्या होगा, g sin थीटा, तो यहाँ पे जो a है वही तो बल का कार्य कर रहा है, तो a इक्वल टू g sin थीटा। देखिए ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, f इक्वल टू g sin थीटा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपका घर सर चैप्टर है, मतलब इसमें कहिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलों को समरूप कहा जाता है जब उनकी क्रिया रेखा मिलती हैं, एक सतह पर मिलती हैं, अनंत बिंदु पर मिलती हैं, दो बिंदुओं पर मिलती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका क्या ऑप्शन जाएगा, जब क्या कहलाती है, जब बलों का समरूप कहा जाता है जब उनकी क्रिया रेखा किस पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है, तो ऑप्शन इसमें कुछ नहीं दिया है, एक बिंदु पर मिलती है नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा जब एक बिंदु पर मिलेंगी तब समरूप या फिर संगामी कहा जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक साधारण मशीन, देखिए ये मशीन चैप्टर से आ गया, एक साधारण मशीन में यदि यांत्रिक लाभ एम ए मैकेनिकल एडवांटेज 40 हो तथा वेग अनुपात वेलोसिटी रेशियो वी आर 50 हो तो इसकी यांत्रिक दक्षता क्या होगी। देखिए यांत्रिक दक्षता काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने इसका चैप्टर आपको बढ़िया से बता रखा है। ठीक है, तो यांत्रिक दक्षता का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको इसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा, एन इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ अपान में वेलोसिटी रेशियो भी यार, मतलब वेगानुपात। ठीक है, तो यहाँ पे एम ए कितना दिया है, देखिए नीचे की ओर कर लेते हैं थोड़ा सा, चलिए दिख रहा है एम ए कितना दिया है, मैकेनिकल एडवांटेज देखिए यांत्रिक लाभ 40 दिया है। ठीक है, 40 और वेलोसिटी रेशियो कितना दिया है, 50। अब देखिए हमें क्या निकलना है, ईटा का मान मतलब यांत्रिक दक्षता का मान, तो ये परसेंटेज में रहता है, तो इनटू 100% हमेशा करते हैं। ठीक है, तो देखिए 50 दुना 100 और ये 40 सॉरी यहाँ पे दो रहेगा और 40 दुना 80, तो 80% इसका आंसर आएगा। देखिए आपको काफ़ी केवल फार्मूले याद रहना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट मैंने बढ़िया से पढ़ा रखा है, आपको अगर नहीं मालूम है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका कौन सा आंसर हो गया, 80%। देखिए 80 कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इसको फार्मूले आपको याद रखना है और इसको क्या कहते हैं, यांत्रिक लाभ क्या होता है, वेग अनुपात क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बता रखी है, यांत्रिक दक्षता क्या होती है। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है, आप प्लेलिस्ट में चल जाइए, वहाँ से इसका वीडियो देख सकते हैं मशीन चैप्टर का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मशीन के भार W के द्वारा 5 मिलीमीटर की दूरी चली जाती है तथा प्रयास P के द्वारा 25 सेंटीमीटर की दूरी चली जाती है, तो एक सरल मशीन का वेगा अनुपात क्या होगा। देखिए वेगा अनुपात पूछ रहा है, मतलब VR वेलोसिटी रेशियो इसमें पूछ रहा है, तो इसका VR कैसे निकालेंगे। देखिए पहले तो वेलोसिटी रेशियो के लिए फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, देखिए प्रयास द्वारा चली गई दूरी, VR इक्वल टू होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपान में भार द्वारा चली गई दूरी। यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से एक बार और आपको बता दें कि ये आपका कुछ प्रकार का इस प्रकार का यहाँ पर लीवर हो गया ये, और देखिए ये होता है जिसे मान लीजिए इतनी दूरी चली है, ये वाई दूरी, ये प्रयास है और ये भार है। ठीक है, ये W है, W है, अब देखिए सॉरी ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये W है, तो ये जितना नीचे की ओर आएगा, मान लीजिए इतना यहाँ पे था पहले, इतना खींचे इसको नीचे Y दूरी पर, ठीक है, तो ये X दूरी पर इतना ऊपर जाएगा W। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, प्रयास द्वारा VR वेलोसिटी रेशियो जो होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी क्या है, वाई है, अपान में भार द्वारा चली गई दूरी क्या है, एक्स है, तो वाई अपान एक्स का अनुपात क्या होता है, हमारा वेलोसिटी मतलब जो वेग अनुपात होता है वेलोसिटी रेशियो कहलाता है। ठीक है, अब देखिए प्रयास द्वारा चली गई दूरी वाई क्या दिया है यहाँ पे, प्रयास पी के द्वारा चली गई दूरी 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर सिंपली,
25 सेंटीमीटर और भार द्वारा चली गई दूरी 5 मिलीमीटर है। अब देखिए इसको एक मात्रक में हमें करना होगा, इसलिए कि नहीं तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर है तो इसी को मान लीजिए मिलीमीटर में कर लेंगे तो इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए 250 हो गया, अपान में 5 हो गया, तो 5 × 25 50 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं इसकी मात्रक की, कई लोग कंफ्यूज जाएंगे, यहाँ पे 50 तो दिया है, यहाँ पे मीटर भी दिया है और यहाँ पे 50 भी दिया है। तो देखिए इसका मात्रक कुछ नहीं होता, यह आपको मालूम होगा वाई अपान एक्स दोनों चली गई दूरियाँ थी, एक प्रयास द्वारा चली गई दूरी, एक भार द्वारा चली गई दूरी, तो वाई अपन एक्स, तो मान लीजिए अगर इसका मीटर मीटर हो रहा है दोनों का मात्रक, तो मीटर से मीटर कट गया, इसका मात्रक कुछ नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50। कई लोग मान लीजिए कि आंसर को लगा लेंगे और इस पर टिक करके चले जाएंगे, पहला ही ऑप्शन देखेंगे, नीचे की ओर नहीं देखेंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मत करिएगा, आप बढ़िया से पूरे ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद से टिक कीजिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब एक पिंड का घर्षण गुणांक उच्च होता है, जब एक पिंड का घर्षण गुणांक उच्च होता है तो उसका घर्षण होगा। आप देखिए आपको फार्मूले के थ्रू बताया जाता है, जब एक पिंड का घर्षण गुणांक आपको मालूम है एफ इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आर। अब देखिए यहाँ पूछा है जब घर्षण गुणांक उच्च होगा, जब घर्षण गुणांक क्या होगा, म्यू उच्च होगा तो इसका घर्षण होगा, मतलब एफ होगा, तो एफ भी जब म्यू उच्च होगा तो एफ भी तो इसका उच्च होगा, तो इसका कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थैतिक घर्षण और गति घर्षण का अनुपात होता है। देखिए स्थैतिक घर्षण म्यू एस और गति घर्षण, ठीक है, म्यू एस और म्यू के मतलब दोनों का अनुपात एक से हमेशा अधिक होता है, ये याद रखिएगा, इसका अनुपात एक से हमेशा अधिक होता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका पहला चैप्टर ही है मशीन के यांत्रिक मतलब मूल तत्व मूल रूप में है, ठीक है। तो एक किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल के बराबर हो जाएगा, तो देखिए एक किलोवाट घंटा जो 3600 किलो जूल के बराबर हो जाएगा। देखिए 3600 किलो जूल के बराबर हो जाएगा, और 3600 का हम का किलो जूल को हम क्या लिखते हैं, किलो जूल, जैसे मान लीजिए किलो है, किलो वाट घंटा 10^3 लिखते हैं, मतलब 1000 होता है, तो 3600 किलो जूल कहिए या फिर 3.6 × 10^6 कहिए, देखिए ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 3600 किलो जूल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3600 किलो जूल, किलो जूल का मतलब ये 3600 × 10^6 जूल हो जाएगा, ठीक है, 3600 × 10^3 जूल हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.6 × 10^6 जूल, ठीक है। ये सारे ऑप्शन कई तरीके से आपको दे सकता है, आपको इसको तोड़ना आना चाहिए, कैसे किलो जूल मतलब, किलो मतलब क्या होता है, किलो जूल मतलब क्या होता है, और 3600 आपको कैसे निकालेंगे, मतलब सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए तभी आपका इसका आंसर, नहीं तो आप ऑप्शन में ही कन्फ्यूज हो जाएंगे, किसी का ये टिक कर देंगे, कहीं कोई और 1000 टिक कर देगा तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको इसका आंसर आना चाहिए कि किलो जूल, माइक्रो जूल, मतलब इस टाइप के जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई होती है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है, देखिए आपको पहला ऑप्शन दिया है हेनरी, जो कि प्रेरकत्व की इकाई, मतलब प्रेरकत्व का मात्रक होता है, प्रेरकत्व को एल से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है क्या दिया है, टेस्ला, तो टेस्ला क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, जिसे ई से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी ई से नहीं, बी से भी प्रदर्शित करते हैं, इसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए वेबर दिया है, तो यही होता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या होता है, वेबर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यांत्रिक लाभ तथा वेग अनुपात होता है, जिसे यांत्रिक लाभ तथा वेग अनुपात का अनुपात होता है। देखिए आपका कमेंट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे सीक्यू में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे शायद सीक्यू लिखा भी था कहीं, ये कमेंट क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। तो यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात का अनुपात होता है, तो इसके इसको क्या कहते हैं, प्रयास द्वारा चले किया गया कार्य, या फिर भार द्वारा किया गया कार्य, या फिर यांत्रिक दक्षता, मैकेनिकल इफिशियंसी, या फिर मशीन की निर्गत ऊर्जा। तो इसका अगर आंसर आपको मालूम होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।